ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर के जैन बाग में आज श्रुत पंचमी महापर्व के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन महिला पंचांग समिति सहारनपुर द्वारा जिनवानी सुरक्षा एवं सज्जा अभियान के तहत एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सहारनपुर के 23 दिगंबर जैन मंदिर जी की संयोजिका अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ अलग अलग रंग के परिधान में हाथों में सजी हुई जिनवानी लेकर चल रही थी, साथ ही लगा रही थी माँ जिनवानी के जयकारे। इन जयकारों से पूरी तरह आकाशमय गुंजायमान था। वहीं कई महिलाएं भाव भक्ति विभोर होकर हाथों में जिनवानी लिए निरत कर रही थी। महिलाओं की इस पहल को देख जैन समाज के सहारनपुर के अध्यक्ष राजेश जैन ने सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं द्वारा किया गया ये कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस कार्य से निश्चित रूप से जिनवानी माँ को सुसज्जित और व्यवस्थित होगी। वहीं दिगंबर जैन महिला पंचांग समिति की अध्यक्ष रेणु जैन ने कहा कि इस अभियान में महिलाओं को पिछले काफी समय से जोड़ा गया है और ये उद्देश्य युवा पीढ़ी को माँ जिनवानी से जोड़ने के साथ साथ माँ जिनवानी की सुरक्षा और व्यवस्था के साथ साथ धर्म पर भावना का प्रसार करना भी है। अब बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु जैन है। मैं दिगंबर जैन महिला समाज सहारनपुर, दिगंबर जैन महिला पंचांग समिति सहारनपुर की अध्यक्ष हूँ और हमने जिनवानी सुरक्षा सज्जा अभियान प्रारंभ किया हुआ है। अब तक हम भारतवर्ष और अमेरिका ने 850 से अधिक मंदिरों की संयोजिकाएं बना चुके हैं और हमारे सहारनपुर में 23 दिगंबर जैन मंदिर जी हैं। आज हमने शुद्ध पंचमी पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली है। गत वर्ष भी हमने इसी प्रकार निकाली थी, उसमें हमारे सहारनपुर के जो 23 जैन मंदिर हैं उनकी सब संयोजिकाएं अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ अपने अपने मंदिर जी की भेंट लेकर और जो है पूरी भक्ति भाव से जिनवानी माँ सजी भी हाथ में लेकर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई है और जिनवानी माँ की जय जयकार से पूरा जो है सहारनपुर नगरी गूंज उठी। सहारनपुर में ही नहीं और जगह भी जहाँ हमारी संयोजिकाएं बनी हुई हैं वे भी आज इस रूप में जिनवानी माँ की सेवा कर रही हैं और सब लोग जो है शोभा यात्रा निकाल रही हैं ताकि महती धर्म प्रभाव ना हो और जैन धर्म का दूर दूर तक जो है। तो आपने जिनवानी सज्जा प्रोग्राम शुरू किया, क्या सोच के क्या आपका टारगेट है इसका? हमारा टारगेट ये है कि हमारे भारतवर्ष और विदेश में कहीं भी ऐसा जैन मंदिर ना हो, दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर हमारी जिनवानी माँ सज्जित, व्यवस्थित और सुरक्षित ना हो। इस दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम शुरू करा है और इसमें हमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है क्योंकि जहाँ जहाँ हम जुड़े हैं सभी जगह जिनवानी माँ की बहुत अधिक सेवा और दया वृद्धि हो रही है। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।